दोस्तों स्वागत है आपका क्यूबिट टेक न्यूज पे। और आज की जो स्पेशल हेडलाइंस है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एक बनाया गया एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है कोलैबोरेशन फार्मास्यूटिकल्स। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ने क्या किया, 40,000 कोविड 19 के भाई बहन निकाल दिए सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में। यानी कि कोविड 19 का जो केमिकल स्ट्रक्चर था जो कि बायोलॉजिकल वेपन बन के सामने आया, वैसे और 40,000 उसके भाई बहन निकाल दिए सिर्फ 6 घंटे में। ये जो कंपनी है एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रही थी जो कि मतलब एक बढ़िया अच्छी ड्रग्स बना के दे पाए जो कि इंसान के काम आए। लेकिन इसी एआई मॉडल में जब इन्होंने थोड़े से चेंजेस करे तो उसने क्या किया, 40,000 कोविड 19 के भाई बहन निकाल दिए सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में। और इसके जो मेकर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं इस कंपनी के, वो जो है अब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कैसे इस टेक्नोलॉजी को जो है गलत हाथों में ना पड़ने दिया जाए। नेक्स्ट चले तो एक हैप्टिक ग्लव है जो कि आपको एक बढ़िया फील देता है वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स की। यानी कि वो ग्लव्स अगर आप पहनेंगे तो आप जो भी वीआर हेडसेट में जो भी देख रहे होंगे उसका एक बहुत ही बढ़िया फील आएगा आपको हाथों में। ऐसे जो ग्लव्स हैं ऑलरेडी मार्केट में बहुत अवेलेबल थे लेकिन उनको सेटअप करना काफ़ी मुश्किल था और वो जो है तार से कनेक्ट होते थे। लेकिन ये जो ग्लव है वो जो है एकदम ही वायरलेस है और साथ ही साथ जो है इसको सेटअप करना भी काफ़ी आसान है। लेकिन जो है ये अभी घरों के लिए अवेलेबल नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आने वाले कुछ टाइम में जब ये टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी तो ये घर घर में भी देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ चले तो आपका जो एंड्रॉयड का फ़ोन है वो जो है एक स्पेस मॉनिटरिंग टूल बन सकता है। और ये जो ऐप है जो आप फ़ोन में इंस्टॉल करके ये स्पेस मॉनिटरिंग टूल बना सकते हैं, उस ऐप का नाम है कमालियोट और वो जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाती है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट को फंड किया जिससे ये ऐप निकल के आई। और इस ऐप का काम क्या होगा, ये जो है आपके मोबाइल का जीपीएस और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करके जो है डेटा कैप्चर करेगी और ये जो डेटा है मशीन लर्निंग के द्वारा जो है प्रोसेस किया जाएगा बेटर वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो आप भी जो है यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए जो है मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है इस ऐप में कंट्रीब्यूट करके जो है आप अमेज़न के वाउचर और साथ ही साथ फ़ोन भी जीत सकते हैं। तो अगर आपको ये ऐप अच्छी लग रही है सुनने में तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चले तो एप्पल के जो कस्टमर हैं वो हर साल जो है उन्हें अब नया फ़ोन देखने को मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर वो महीने की एक जो है सब्सक्रिप्शन फ़ी भरते रहें। यानी कि सपोज इस साल आईफोन 13 लॉन्च हुआ, एक साल तक वो जो है वो सब्सक्रिप्शन फ़ी भरते रहे तो अगले साल उन्हें ऑटोमेटिकली आईफोन 14 मिल जाएगा, फिर वो मंथली फ़ीस भरते रहे और फिर अगले साल जो है आईफोन 15। तो ये जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है एप्पल इस पर काम कर रहा है और इसको लॉन्च करने की सोच रहा है। नेक्स्ट चले तो इंस्टाग्राम जो है मतलब वो काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाल के ला रहा है। तो बेसिकली तीन फीचर जो है नए आने वाले हैं। पहला जो है कि अगर आप जो है इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट किसी को शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है क्यूआर कोड्स का जो है यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप क्यूआर कोड जो है शेयर कर सकते हैं जो दूसरा बंदा स्कैन करेगा और उससे जो है आपकी वो पोस्ट पे आ जाएगा। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद जो है आपको एक अलग से टैब देखने को मिल सकता है जिसमें एक एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि उनका कंटेंट होगा जिनको आप फॉलो करते हैं, तो उनकी तरफ से जो भी कंटेंट होगा वो आपको उस टैब में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो है स्टोरीज पे आप वॉइस नोट्स भी अब जो है रिकॉर्ड करके जो है भेज सकते हैं। तो ये 2-3 फीचर हैं जो इंस्टाग्राम में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ऐसी टेक न्यूज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।